हाय दोस्तों, मैं हूँ ऋचा शर्मा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्त मस्त आरजे माला के साथ। ऋचा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू माला जी। ऋचा जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है हमारा खाली स्थान भरो। इसमें हम एक इनकम्प्लीट लाइन बोलते हैं जिसको हमारे गेस्ट कंप्लीट करते हैं। सो ये सेगमेंट अब आपके साथ हम खेलेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? देन माय फर्स्ट खाली स्थान भरो स्टेटमेंट इज, मैं उस दिन शादी करूंगी जिस दिन अच्छा मुझे लड़का मिल जाएगा। मेरे करियर का वो सॉन्ग जो मुझे लगता है मैंने सबसे अच्छा गाया है वो है मेरे मौला करम वो करम। मेरे करियर का वो गाना जो मैंने सबसे खराब गाया है वो है नहीं हो रहा था फ्रॉम द फिल्म, लोगों को पता भी नहीं होगा ना, नहीं हो रहा था फ्रॉम रन। मेरी सिंगिंग की वो खास बात जो मुझे दूसरों से अलग रखती है वो है खुल के गाना, बिल्कुल ओपन वॉइस। मेरी सिंगिंग की वो कमी जो मुझे जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा पीछे रह जाती हूँ वो है माई स्केल, माई नोट, माई स्केल हाई पिच। जो लोगों को लगता है बहुत हाई पिच गाती हूँ, ऐसा नहीं जी। अपनी शादी के दिन मैं जो गाना गाऊंगी वो होगा? नहीं, मैं नहीं गाऊंगी, मेरा हस्बैंड गाएगा मेरे। कौन सा गाना आप एक्सपेक्ट करेंगी? कौन सा गाना तो वो ही डिसाइड करेगा, वो उसको ये टास्क होगा अच्छा गाना गाए, नहीं तो उसी दिन शादी तोड़ दूंगी। आई एम जस्ट जोकिंग। कोई भी अच्छा गाना जो मेरे मन को छू जाए। जी ऋचा जी, अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में, तो म्यूजिक क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बॉलीवुड में, आपको क्या लगता है किसी भी एक सिंगर के लिए सक्सेसफुल होने के लिए बॉलीवुड में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उनमें से कितनी क्वालिटीज आपके अंदर है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी नजर में सक्सेसफुल इंसान कौन होता है, पहले तो लोगों को यही पता होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी नजरिए होते हैं, कोई किसी तरह से अपने आप को सक्सेसफुल मानता है। कुछ लोग समझते हैं अगर उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है और बहुत फेमस हो गए और आपके साथ लोग खड़े होकर पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, ऑटोग्राफ दे रहे हैं, शायद आम जनता का सोचना, मेरा ख्याल से उनकी सोच यही होती है कि वही इंसान सक्सेसफुल है। मेरी नजर में थोड़ी मेरी सोच और मेरी चाहते, मेरी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। मैं सक्सेस मानती हूँ अपने आप को जब मुझे कुछ भी गा के खुद को तसल्ली मिलती है और उस गाने से 10 लोगों को भी सुकून मिल जाता है, तो मुझे लगता है मैं सक्सेस हो गई। जी, और मेरे लिए मेरी प्रायोरिटीज मेरी फैमिली है, उनके चेहरे पे मेरी वजह से मुस्कान आ जाती है तो मुझे लगता है मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर एज एन किसी को न्यू कमर, अगर आपका सवाल ये है कि कोई नया सिंगर बनना चाहते हैं, नए न्यू कमर जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए म्यूजिकली सक्सेसफुल होने के लिए, उनके लिए ये जरूरी है कि एक तो बेसिक ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है जी, ताकि आप जब कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, जरूरी नहीं हो सिंगिंग, किसी भी फील्ड में आप जो एंटर कर रहे हैं तो उसकी एक बेसिक जानकारी आपके लिए जरूरी, ताकि आप पर कोई उंगली ना उठाए, उससे पहले आप अपने आप पर खुद उंगली उठाने, आप अपने आप को खुद करेक्ट करें जी, दूसरों का भी सुने, आप उनकी भी राय लें समझे। पर अगर कोई नया इंसान इस फील्ड में आना चाह रहा है म्यूजिक, तो आपका एक बेसिक तालीम होना, बेसिक नॉलेज होना, एक कहते हैं ना फाउंडेशन होना जिस पर आप अपनी बिल्डिंग खड़ी करें सक्सेस, तो मुझे लगता है एक बेसिक ट्रेनिंग जो मैंने भी ली गंधर्व से, ज्यादा समय तो मैं नहीं वहाँ पे, ऐसा लक नहीं रहा, ऐसी किस्मत नहीं रही कि मैं अच्छे से संगीत सीख पाती, पर मैंने थोड़ा बहुत जानकारी जरूरी और अपने काम से बेहद ज्यादा प्यार होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा ईमानदारी होनी जरूरी है जी। उसके लिए आप मर मिटने को जैसे आप म्यूजिक के लिए कुछ भी कर जाएंगे, डजंट मैटर कि आपको सक्सेस मिल रहा, आपका गाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, बहुत जल्दी लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमको काम नहीं मिल रहा, बहुत जल्दी वो कहते हैं ना गिव अप नहीं करना चाहिए, कीप ट्राइंग, इट दिन आएगा जरूर आपको मौका मिलेगा अगर आप में काबिलियत है तो जी।